कहानी हमारी जिंदगी कहानियों से घिरी हुई है। कभी सोने से पहले कहानी, कभी उठने के बाद कहानी, कभी दोस्तों के संग किस्से, कभी मनगढ़ंत बातों के हिस्से, विचार अच्छे बुरे बातों के खेत में, दृश्य काल्पनिक शब्दों के रेत में। कहानी, हम इन्हीं कहानियों से चारों तरफ घिरे हुए हैं और हमारी जिंदगी इन्हीं के बीच निकल जाती है। कुछ कहानियां लोगों तक पहुंच जाती हैं, कुछ वहीं रह जाती हैं। मैं हूं मानस, आपका इंस्ट्रक्टर, और आपके लिए लेके आया हूं इन्हीं दृश्यों, किस्सों, कहानियों और शब्दों का एक संग्रह, एक स्क्रीन राइटिंग कोर्स को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ये स्क्रीन राइटिंग कोर्स की 20 मॉड्यूल की एक मास्टर क्लास है, जिसमें हम सीखेंगे अलग अलग तरह की स्क्रीन राइटिंग और स्क्रीन प्ले से रिलेटेड चीज़ें। स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं, क्या ज़रूरत है स्क्रीन प्ले की, तो क्या आप तैयार हैं? तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस पूरी मास्टर कोर्स के दौरान आप लोग दो चीज़ों का मिनिमम इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए आपकी तरफ से, विच इज़ अ डायरी एंड अ पेन। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट जो भी मैं अपनी क्लासेस में आपको बताऊँ, यू शुड नोट इट डाउन ऑन अ डायरी विद अ पेन। आप में से कई लोग शायद मोबाइल फ़ोन का भी यूज़ करना चाहें कि मोबाइल पे हम शायद कुछ नोट कर लें, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा और रिकमेंड भी करूंगा, प्लीज़ डू नॉट यूज़ मोबाइल टू मच, बिकॉज एट टाइम्स हो सकता है आपका डिस्प्ले ख़राब हो जाए, हो सकता है कहीं मोबाइल आपका गिर जाए या कुछ डैमेज हो जाए, तो वो डेटा भी आपका उसके साथ ही चला जाएगा। इट्स बेटर दैट यू राइट इट डाउन, बिकॉज सबकॉन्शियसली योर यू नो हैंड विल ऑल्सो, योर ब्रेन इज ऑल्सो गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स वाइल राइटिंग। एंड आई थिंक दिस इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट दैट यू नीड टू बिकम अ राइटर। ये एकमात्र ऐसा फिल्म में कोर्स है या कह लीजिए करियर है जिसमें यू डोंट नीड यू नो बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सो मेक श्योर दैट दिस इज़ द मिनिमम दैट कैन बी डन। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट इस पूरी 20 मॉड्यूल्स के कोर्स के दौरान मैं आपको कुछ फिल्मों के एग्जाम्पल्स भी दूंगा, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दूंगा, कुछ अलग अलग तरह के चीज़ें भी करवा सकता हूँ, कुछ वर्कशॉप्स भी करवा सकता हूँ। सो मेक श्योर दैट मेक कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स, स्पेशली इफ़ आई मैंशन एनी फिल्म। अगर मैं आपको कोई फिल्म मैंशन करता हूँ तो मेक श्योर करिए कि आप उसको कहीं पर लिख लें उस फिल्म का नाम, ताकि आगे चल के आपको शायद उस फिल्म को देख के शायद कुछ फ़ायदा हो या जो चीज़ मैं बताऊँ वो आप उसमें ढूंढ पाएँ। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि इस पूरे जो हमारा मास्टर क्लासेस हैं ये 20, इसमें कोशिश ये भी करिए आप कि अगर आपका कोई डाउट है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ बताया और आपको लगता है कि शायद कुछ डिसकनेक्ट हो गया या आई एम नॉट एबल टू गेट, या प्रोनंसिएशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, या यू फील दैट आई हैव नॉट हर्ड दिस टर्म बिफोर, आप गूगल भी कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, या इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी जो इतने सालों से आपने दिमाग में है, परेशान कर रही है आपको, तो वी ऑल्सो हैव अ डाउट सेशन विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। तो उसकी डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं, लेकिन उस डाउट सेशन के लिए भी आपके पास पहले से नोट डाउन होना चाहिए कि आज मेरे ये 5 डाउट्स हैं या 7 डाउट्स हैं जो मुझे क्लियर करने हैं। सो मेक श्योर दैट एक डायरी हो जिसमें आप सब कुछ नोट करते जाएं, बिकॉज दिस इज जस्ट लाइक अ क्लासरूम टीचिंग। सो मेक श्योर दैट यू नोट इट नोट डाउन एवरीथिंग देयर। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इस पूरे मॉड्यूल में, सेकेंड मॉड्यूल ऑफ दिस स्क्रीन राइटिंग कोर्स, वॉट ऑल आर वी गोइंग टू कवर। So in this module we are going to cover first of all what is screenplay, how do we say that it's a screenplay, then we are going to talk about why screenplay is called as a blueprint of a film and television a film or a television show, why is it called a blueprint. Then I would also like to tell you about what is the difference between novel writing and screenplay writing, in dono mein difference kya hai. इसके अलावा आपने सुना होगा, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले क्या होता है, अडेप्टेड स्क्रीन प्ले क्या होता है, ठीक है? परेशान मत होइए अगर आपने कभी नहीं सुना, कोई बात नहीं, जो डिफरेंस है या आपको लग रहा है ये वी ऑलरेडी नो, देन ऑल्सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वी कैन ऑलवेज शेयर ईच अदर्स नॉलेज एंड डिस्कस थिंग्स। सो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, अडेप्टेड स्क्रीन प्ले क्या होता है, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज दैट आर यूज्ड। तो मैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको आज बताने की कोशिश करूंगा जो हम लेटर ऑन इस पूरे मास्टर क्लासेस में यूज करेंगे, तो उनको मैं आज थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आपको, ताकि आपको आगे की क्लासेस में प्रॉब्लम ना हो उनको समझने में।
अगेन एंड अगेन बोलूंगा, आप उनको लिख लीजिएगा कहीं पे ताकि आपको बाद में रिकॉल वैल्यू उसकी बढ़ जाए. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक मेटाफर्स क्या होते हैं, विजुअल राइटिंग क्या होती है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. वॉट इज यू नो वेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर ऑफ अ फिल्म, देन वॉट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर स्ट्रक्चर इन राइटिंग. अगर हम कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें लीनियर स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, नॉन लीनियर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. डायलॉग राइटिंग मैं थोड़ा सा मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि डायलॉग राइटिंग का अभी लेटर ऑन मैं एक अलग से मॉड्यूल लूंगा विच इज गोइंग टू बी इन डेप्थ. तो अभी मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें हम जो यूज करेंगे आगे चल के. इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एक दो चीजें, जैसे एक्सपोजिशन एक टर्म होता है तो उसका क्या यूज होता है स्क्रीन प्ले में. तो छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो हम इस मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट योर पेन एंड योर डायरी इज रेडी सो दैट वी कैन बिगिन. So guys, let us begin the process. Screenplay, first of all. Before joining this course, a lot of people must be thinking that screenplay hota kya hai. Main kai sari universities mein padha chuka hu, main kai sare online classes bhi le chuka hu. First jo bhi question hota hai ek student ka, wo zyadatar yahi log puchte hain ki sir, what is a screenplay and what is a script? So what is the difference between script and a screenplay? सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन प्ले मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन प्ले इज एज द नेम सजेस्ट स्क्रीन प्ले. सो एनीथिंग दैट इज बीइंग प्लेड ऑन स्क्रीन, द रिटन फॉर्म ऑफ दैट थिंग इज कॉल्ड अ स्क्रीन प्ले, स्पेशली इन फिल्म्स एंड टेलीविजन. सो जो भी लाइक फिल्म्स आपने आज तक देखी होंगी, जो भी टेलीविजन शोज आपने देखे होंगे, सीरियल्स देखे होंगे, ज़्यादातर का ज़्यादातर नहीं बोलूँगा, लगभग हर एक सीरियल हर एक फिल्म लिखी जाती है पहले. सो कोई भी फिल्म, कोई भी स्टूडियो, कोई भी प्रोडक्शन हाउस, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी डायरेक्टर एक्टर बिना स्क्रिप्ट के कभी नहीं आता, बिकॉज स्क्रिप्ट इज लाइक अ प्लान, अ मास्टर प्लान. सो इससे जुड़ा एक मैं छोटा सा एक किस्सा भी आपको बताना चाहूंगा कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ऑल्दो ही वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेटर ऑन ही लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट वेन ही ज्वाइंट द यूनिवर्सिटी ही आस्क मी वन थिंग दैट सर, ही वॉज क्वाइट यू नो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे वो अपनी फिल्म को लेकर के. सो ही टोल्ड मी दैट सर, आई हैव अ स्टोरी एंड दो आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट बट आई नो हाउ टू गो अबाउट इट. तो मैंने कहा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि सर बिकॉज मुझे कहीं दो तीन दिन बाद कहीं निकलना है, तो मेरी स्टोरी ऑलमोस्ट क्लियर है, मेरे पास स्क्रिप्ट लिखने का टाइम नहीं है, बट सर डोंट वरी एट ऑल, मैं जाऊँगा और जा करके मैं अपनी फिल्म शूट कर लूँगा. तो मैंने उनसे पूछा आर यू श्योर अबाउट इट, ही सेड बिल्कुल सर आप चिंता मत करिए, मैं कल सुबह से शाम तक मैं पूरा शूट खत्म कर दूंगा. आई सेड ओके लेट्स लेट्स सी इफ इट कैन बी डन. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट अर्ली इन द मॉर्निंग एट 8 टू शूट द फिल्म विदाउट स्क्रिप्ट, विदाउट स्क्रिप्ट. सो ही वेंट टू शूट द फिल्म एंड ही सेड दैट्स एवरीथिंग इज रेडी एंड आई हैव एवरीथिंग इन माई माइंड, आई नो हाउ टू यू नो टेक द फर्स्ट शॉट एंड हाउ एम आई गोइंग टू टेल माई एक्टर्स कि वो कहाँ से एंटर करेंगे, कैमरा कहाँ पे होगा, क्या डायलॉग बोलने हैं, वो मैं सर इम्प्रोवाइज करा लूँगा, मैं सेट पे इम्प्रोवाइज करा लूँगा. आई सेड वेरी गुड. तो 8 बजे वो सुबह निकले और जा करके उन्होंने शूटिंग शुरू की, मुझे ऐसा लगा शूटिंग चल रही है. और तकरीबन 10 बजे रात को मैंने उसको कॉल किया, मैंने उनसे पूछा कि अब तक तो शूटिंग आपकी पूरी हो गई होगी. सो He said, सर मैं अभी तक कैमरा ऑन नहीं कर पाया हूँ. तो आई वॉज लाइक क्या बात कर रहे हो. तो ही सेड सर आपकी बात कहीं ना कहीं सही थी, मेरे पास स्क्रीन प्ले नहीं था इस वजह से मैं अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर मैं क्या लूँ, मैं कुछ लेने की सोचता हूँ उससे पहले लगता है कि ये सही है कि वो सही है, मेरे एक्टर्स भी मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि कितनी देर रुकना है, मेरा आर्ट डायरेक्टर भी मुझसे पूछ रहा है मुझे क्या करना है, एंड एवरीबडी मेरे सर सेट पे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सा हो रखा है, तो सर आई एम रियली सॉरी. तो मैंने उनको बोला कि तो इसका सॉल्यूशन क्या है. तो उसने कहा सर सॉल्यूशन तो यही है सर, मुझे स्क्रीन पे लिखना चाहिए. मैंने कहा वेरी गुड. एंड फिर वो चले गए जहाँ उनको जाना था अगले 2-3 दिन के लिए. क्या जब ही रिटर्न देन ही स्टार्टेड राइटिंग हिज स्क्रीन प्ले. इट टुक हिम फॉर अनदर आई थिंक 4-5 डेज एंड उसने पूरे 4-5 दिन में अच्छे से स्क्रीन प्ले लिखा. उसने मुझे भी दिखाया, मैंने थोड़े से उसमें करेक्शन बताए, उसने वो भी किए. एंड फाइनली इट डिन डिसाइड हुआ और जा करके ही शॉट द एंटायर फिल्म. इस बार उसकी फिल्म सिर्फ 6 घंटे में, ओनली इन 6 आवर्स हिज फिल्म वॉज शॉट.
एंड ही कॉल्ड मी अप दिस टाइम एंड ही सेड सर थैंक यू सो मच माई फिल्म इज कम्प्लीटेड माई शॉर्ट्स हैव टेकन एंटायर कवरेज ऑल द शॉर्ट्स हैव बीन डन एंड इट वॉज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्क्रीन प्ले. तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये आज के टाइम पे क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं जब भी कोई फिल्म एक ऐसा मीडियम भी है और इतना ज़्यादा आजकल ऑब्वियसली वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है और कई स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगता है कि हम स्क्रीन प्ले के बिना भी काम कर सकते हैं लेकिन आप कभी करने की कोशिश भी करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट्स वेरी टफ यू कैन नॉट डू इट्स इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी. सो स्क्रीन प्ले दैट इज़ द यूज ऑफ स्क्रीन प्ले. इस पूरे मॉड्यूल में इस पूरे मास्टर क्लास में हम आपको स्क्रीन प्ले कैसे लिखना है यही बताएंगे लेकिन स्क्रीन प्ले क्या है ये आप समझ लीजिए. हमारे यहाँ अब बात आती है कि स्क्रिप्ट से स्क्रीन प्ले का क्या रिलेशन है. सर स्क्रिप्ट अलग है कि स्क्रीन प्ले अलग है. सो लेट मी टेल यू दैट स्क्रीन प्ले इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट इज अ ब्रॉडर टर्म. स्क्रिप्ट कई तरह की होती हैं. एडवर्टीजमेंट स्क्रिप्ट भी होती है न्यूज स्क्रिप्ट भी होती है फिल्म स्क्रिप्ट भी होती है जिसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं फिल्म और टेलीविजन स्क्रिप्ट को. तो ऐसे कई तरह की स्क्रिप्ट्स होती हैं. म्यूजिक वीडियो की भी एक स्क्रिप्ट होती है. तो ये अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स होती हैं लेकिन जो फिल्म और टेलीविजन शोज के लिए और सीरियल्स के लिए जो स्क्रिप्ट होती है उसे हम स्क्रीन प्ले बोलते हैं. सो स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट इज अ ब्रॉडर टर्म एंड स्क्रीन प्ले इज अ टाइप ऑफ स्क्रिप्ट. सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेज. सो नेक्स्ट टाइम प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज. Secondly, I would also like to tell you that एक screenplay जो होता है वो ना सिर्फ एक actor के लिए या एक director के लिए या एक writer के लिए ज़रूरी होता है but पूरी unit उससे कहीं ना कहीं जुड़ी होती है. It's a very important document and make sure that जब भी आप screenplay लिखने की बारी आए तो कभी भी कोई shortcut ना अपनाएं. कोशिश करें कि आप पहली बात तो एक स्क्रीन प्ले लिखने से भी पहले एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं स्टोरी. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सीधा मुझे स्क्रिप्ट भेजते हैं अपनी स्क्रीन प्ले भेजते हैं एंड दे आस्क मी कि सर इसको पढ़ लिया. हालांकि मैं पढ़ लेता हूं और कई बार वो बना भी लेते हैं फिल्म और उनकी फिल्म बन भी जाती है एडिट भी हो जाती है एक दो अवार्ड भी मिल जाते हैं लेकिन अगेन आई वुड से दैट इज नॉट अ हेल्दी प्रैक्टिस टू डू. व्हाई? बिकॉज स्क्रीन प्ले इज अ सेकेंडरी थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर स्टोरी. So unless and until you have a proper written story in front of you, never start your screenplay. This is again a very basic information. Is it clear? So why screenplay is called a blueprint of film and television serial or a show? Again, a very important question. A lot of students, they feel that जैसे मैंने अभी बताया आपको कि स्क्रीन प्ले लिखना है कि नहीं लिखना है. अब मैं आपको बताता हूँ कि वो लिखना ज़रूरी क्यों है. एक तो बात ये होगी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक स्टूडेंट जो कि बिना स्क्रीन प्ले के लिखे वो वहाँ पे गया और उसने एक स्टोरी शूट करने की कोशिश की बट वो कुछ कर नहीं पाया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक थिंग इज दैट द प्लानिंग इज नॉट देयर. सो जैसे कि ब्लूप्रिंट मैं बोल रहा हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आप एक अपार्टमेंट में एक बिल्डिंग में एक घर लेने जाते हैं अपार्टमेंट में बहुत ऊंचे स्काई राइज है और वहाँ पे आप देखते हैं कि एक मास्टर प्लान होता है उनका एक ब्लूप्रिंट होता है एक नक्शा होता है. उस नक्शे को देख कर ही अप्रूवल मिलता है इस बिल्डिंग का और उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है. तो आज तक ऐसी कोई बिल्डिंग मैंने तो नहीं देखी कि जो बिना प्लान के बन गई हो. पहली फ्लोर बनाते वक्त उनको आइडिया है चलो दूसरी फ्लोर ऐसी बनाते हैं फिर उनको लगा थोड़ा और क्रिएटिव होते हैं तीसरी फ्लोर हम कुछ ऐसे बनाते हैं या चल अब 5 महीने बाद काम करेंगे. ऐसा तो कहीं नहीं होता. सो देयर इज ऑलवेज अ मास्टर प्लान एंड बेस्ड ऑन दैट ब्लूप्रिंट द एंटायर स्ट्रक्चर इज मेड. अब उसी बिल्डिंग की जगह हम एक फिल्म को डाल देते हैं तो एक फिल्म को बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज सिचुएशन विल गो आउट ऑफ कंट्रोल. ट्रस्ट मी शूटिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही एक हेक्टिक प्रोसेस है और ये उन लोगों के लिए नहीं है शूटिंग फिल्म शूटिंग या फिल्म का जो पूरा प्रोफेशन है जो लोग एक जगह बैठ करके पूरा दिन काम करना चाहते हो. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. सो एंड यू ऑल नो दैट एक फिल्म के साथ कितने सारे लोग जुड़े होते हैं. कई बार 50 लोग भी होते हैं कई बार 100 लोग भी होते हैं कई बार 1000 लोग भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑब्वियसली बजट ऑफ द फिल्म. तो स्क्रीन प्ले से एक आपको एक पहली बात तो पता लगता है कि फिल्म की ड्यूरेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल जैसे
एक अमूमन एक थंब रूल है कि क्योंकि कैलकुलेटेड है कि अगर 1 मिनट का जो आपका स्क्रीन टाइम होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 पेज ऑफ अ स्क्रिप्ट ऑफ अ स्क्रीन प्ले। सो 1 पेज जो हम लिखते हैं स्क्रीन प्ले का वो स्क्रीन पे तकरीबन एंड दिस व्हेन आई से तकरीबन अप्रोक्सीमेटली की बात हो रही है तो 1 मिनट तक का वो टाइम स्क्रीन पे होता है। तो यानी कि अगर आपके स्क्रीन प्ले 120 पेजेस का है तो तकरीबन 2 घंटे की फिल्म आपकी बनेगी, या 180 पेजेस का है तो 3 घंटे की फिल्म बनेगी। सिमिलरली टेलीविजन बेसिकली एक जो एक पेज है वो 30 to 40 सेकेंड का ऑन स्क्रीन कन्वर्ट होता है। ये थंब रूल नहीं कहूंगा मैं, बट हाँ ऐसा है प्रोसेस, ये होता आ रहा है और इसी को हमने एक स्टैंडर्ड माना हुआ है। तो पहली बात तो है कि आपको एक ड्यूरेशन पता लगती है एक फिल्म की, आपकी एक स्टोरी है। अब जैसा कि आपको पता है कि एक स्टोरी को बताने के बहुत सारे तरीके हैं, यू कैन टेल अ स्टोरी इन सो मेनी वेज। एक शॉर्ट स्टोरी भी बनाई जा सकती है, एक आइडिया है, सपोज इफ आई हैव एन आइडिया, उस आइडिया को क्या मैं एक शॉर्ट स्टोरी में कन्वर्ट करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, या मैं उस पर एक फीचर फिल्म बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, या मैं उस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, या मैं एक काम करता हूँ मैं इस पर एक एडवर्टीजमेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आइडिया क्या है, तो उस आइडिया पे ही बेस्ड होती है आपकी स्क्रिप्ट, आपकी स्क्रीन प्ले, और उस आइडिया आपकी स्क्रीन प्ले पे डिपेंड करता है। अगर आपका आइडिया ऐसा है कि इसको बताने के लिए आई नीड सम टाइम, दैट मीन्स अ फीचर फिल्म इज द बेस्ट वे टू डू दैट। अगर आपको लगता है वो आइडिया आप 15 सेकेंड में या 30 सेकेंड में कन्वे कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। क्लियर? सो स्क्रीन प्ले में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो क्रिएट बॉर्डर लाइन्स। बॉर्डर लाइन्स यू क्रिएट यू नो द स्टार्टिंग टाइम एंड द एंडिंग टाइम, दैट माई स्टोरी इज गोइंग टू बी टोल्ड इन 2 आवर्स और 1 आवर। तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू नाउ हैव एन आइडिया एज टू हाउ मेनी पेजेस यू हैव टू राइट। ऐसा नहीं है कि मैंने स्क्रिप्ट लिख दी, मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं लिखता जा रहा हूँ, इतना लिख गया कि वो फिल्म बन गई 5.5 घंटे की। सो नो बडी इज इंटरेस्टेड एट द एंड ऑफ द डे, सो वी हैव टू फाइंड इट आउट। सो एक बहुत अच्छा जो मैं कहता हूँ ब्लू प्रिंट है स्क्रीन प्ले, वो इसलिए है क्योंकि पहली बात तो एक आपको दायरा पता लगता है, आपका दायरा क्या है, आपको कितनी देर तक स्क्रीन के लिए लिखना है, कितनी देर तक ये आपकी फिल्म चलेगी, या मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ से बरेली जाना है या मुझे यहाँ से जयपुर जाना है तो मुझे पता है मुझे तकरीबन 5 से 6 घंटे का रास्ता है। अगर मैं बाई रोड जाऊंगा, अगर मैं एक फ्लाइट लूंगा तो मुझे 1 से 2 घंटे लगेंगे, सो आई नो। बट अगर मैं कहूँ कि मैं तो निकल पड़ा हूँ घर से और मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, तो विल एंड अप गोइंग नो वेयर और शायद आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। सो कुछ कुछ वैसा ही है। तो आपको पहली बात तो एक गाइडेंस मिल जाती है, एक दायरा मिल जाता है, आपको एक लिमिटेशन मिल जाती है कि ये मेरा स्टैंडर्डाइज लिमिटेशन है, मुझे इसके अंदर है। दूसरी बात जो स्क्रीन प्ले को ब्लूप्रिंट हम क्यों बोलते हैं, आपकी फिल्म से जुड़ा होता है एक बहुत ही अहम चीज जिसको हम बोलते हैं बजट, यानी कि पैसा। मेरी एक फिल्म है जो मैं लिख रहा हूं, मेरे पास बजट ज्यादा नहीं है तो मैं कुछ ऐसी चीजें नहीं डालूंगा उसमें जिनको शूट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़े। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक फिल्म आई थी ट्रैप्ड, राजकुमार राव की, विक्रमादित्य मोटवानी ने डायरेक्ट की थी। उस फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि स्टोरी ही फिल्म की ऐसी कि एक प्रोटैगनिस्ट जो है आपका राजकुमार राव का कैरेक्टर, वो एक घर में लॉक हो जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है, लॉक हो जाता है, बाहर से दरवाजा उसका बंद है एंड देयर इज नोबडी इन द एंटायर बिल्डिंग, और वो कैसे अगले कुछ दिन उस बिल्डिंग के अंदर बिताता है। सो नाउ यू हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन वेयर द कैरेक्टर विल रिमेन इनसाइड दैट हाउस, दैट अपार्टमेंट। सो ऑब्वियसली 95% ऑफ द फिल्म हैज बीन शॉट इनसाइड दैट अपार्टमेंट। तो इससे क्या हुआ, आपका बजट लिमिट हो गया। आपको पता है मुझे इस फ्लैट से बाहर जाना ही नहीं है, जो भी उस फ्लैट के प्रॉप्स हैं, जो भी उस फ्लैट की चीजें हैं वही मैं यूज करने वाला हूँ, जो एडिशनल चीजें हाउस होल्ड चाहिए वो मैं ले आऊंगा, तो इतना लंबा चौड़ा बजट नहीं लगेगा। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक बाहुबली, सो अब अगर मैं बाहुबली जैसी एक मैग्नम ओपस लिख रहा हूँ, बहुत बड़ी कोई फिल्म लिख रहा हूँ, ग्रैंड एपिक फिल्म लिख रहा हूँ, सो बजट उसका ऑब्वियसली मैनी फोल्ड बढ़ जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट, हेयर आई वॉज टॉकिंग अबाउट अ स्मॉल अपार्टमेंट, हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट अ एंटायर किंगडम एंड नॉट ओनली वन वन किंगडम बट मे बी 2 or 3 किंगडम्स। देन किंगडम होगा तो वहाँ पे घोड़े हाथी भी होंगे, वॉर सीन्स भी होंगे, देन यू विल हैव यू नो ह्यूज सेट्स,
यू विल हैव अ लॉट ऑफ VFX देयर, लॉट ऑफ मेकअप एंड लॉट ऑफ कॉस्ट्यूम्स, लॉट ऑफ ज्वेलरी, सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. एंड ऑब्वियसली यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव सो मेनी एक्टर्स एंड यू नो मेजर एक्टर्स, माइनर एक्टर, माइनर कैरेक्टर्स, मेजर कैरेक्टर्स एंड ऑल दोज थिंग्स. तो सडनली मैंने एक स्क्रिप्ट तो लिख दी, लिख दोनों ही फिल्में मैं पेपर पर रहा हूँ, दोनों ही फिल्मों को मैं A4 साइज की शीट पर ही टाइप कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट का साइज भी एक का इतना है, एक का इतना है, बट उन दोनों स्क्रिप्ट्स का अगर आप बजट देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है. सो अगेन स्क्रिप्ट जब हम लिखते हैं तो हम क्लियर कर लेते हैं, डिमार्केशन लाइन बना लेते हैं हमारा बजट कितना है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि यू नो लो बजट की फिल्म्स के बारे में सोच रहे हैं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं, वो मैक्सिमम 8 से 10 करोड़, 15 करोड़ तक की फिल्म्स बनाते हैं, लो बजट फिल्म्स आज के टाइम पर अगर मैं बोलूँ तो वो लो बजट फिल्म्स कहलाती हैं, अगर वो बनाना चाह रहा है तो ऑब्वियसली ही अगर कोई स्क्रिप्ट आती है उनके पास बाहुबली जैसी, तो दे आर नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस दैट फिल्म, ऑब्वियसली दे डोंट हैव दैट बजट फॉर दैट काइंड ऑफ अ फिल्म. हाँ मे बी दे कैन अफोर्ड समथिंग लाइक खोसला का घोसला और भेजा फ्राई और ट्रैप्ड, यू नो दोस काइंड ऑफ फिल्म्स. सो कीपिंग दैट इन माइंड, अ बजट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक स्क्रीन प्ले जब एक प्रोडक्शन हाउस में जाता है तो एक बजट सेट होता है, और बेस्ड ऑन दैट बजट इफ अ प्रोडक्शन हाउस फील्स दैट इस बजट में ये फिल्म बनाई जा सकती है तभी हम आगे बात करते हैं. तो यहाँ पे रियलिस्टिक होना बहुत ही जरूरी है. इससे जुड़ा एक और मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा. मेरा एक स्टूडेंट और था जो क्लास में एक वर्कशॉप चल रही थी, मैं ले रहा था वर्कशॉप, उसमें मैंने इनको एक सीन लिखने का बोला और उस सीन को उनको शूट करना था. सो देयर वाज दिस गाय हु वाज वेरी एक्साइटेड एंड ही सेड दैट ही वाज द फर्स्ट वन टू रेज हिज हैंड कि सर मेरा सीन हो गया. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दिखाओ. सो ही केम एंड ही टोल्ड मी दैट सर, सो मैंने उसका सीन थोड़ा सा पढ़ा, फिर मैंने कहा आप ही इसको नरेट करो. तो उसने मुझे नरेट किया क्लास के सामने. उसने कहा कि सर इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, उनके बीच का चेस सीक्वेंस लिखा है मैंने. मैंने कहा बताओ. उसने कहा कि सर एक तो है एक्स जो कि एक बहुत ही बिजी रोड है, बिजी स्ट्रीट है, वहां पे भाग रहा है, उसके पीछे उसको चेस कर रहा है वाई. तो अब ये चेस सीक्वेंस है सर, अब क्या होगा कि एक्स पहले एक शॉप पे घुसता है, वहां से निकलता है, वाई उसको चेस करता है, फिर सर वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुस जाता है, वहां पे उसको चेस करता है, फिर सर एक सब्जी मंडी पड़ती है, वहां पे चेस सीक्वेंस कंटिन्यू होता है. उसके बाद सर क्या होता है कि एक्स जो है वो एक बिल्डिंग के अंदर एंटर करता है और उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है. वाई भी सर जाता है उस बिल्डिंग के ऊपर और वो उसको लेकर के ऊपर तक जब जाता है तो एक्स वहां पे एक हेलीकॉप्टर तैयार है सर टेरेस पे. एक्स उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है एंड वो हेलीकॉप्टर उड़ जाता है. फिर क्या होता है सर, फिर वाई जो है वो वहीं से जंप मारता है और वो नीचे पानी होता है सर, पानी में गिरता है. ऊपर हेलीकॉप्टर में एक्स जा रहा है, नीचे वाई है, वाई को वहाँ पे एक मोटर बोट दिखती है, वो उस मोटर बोट पे बैठता है. एंड नाउ सर द यू नो द एरो द हेलीकॉप्टर इज गोइंग एंड चेस्ड बाय अ मोटर बोट एंड द चेस सीक्वेंस कंटिन्यूज. मैंने कहा बहुत अच्छा थॉट है तुम्हारा बेटा, लेकिन इसको शूट कब कर रहे हो? सो व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हेन इज ही प्लानिंग टू शूट, सो ही सेड सर ही स्टार्टेड लुकिंग हियर एंड देयर. ही सेड सर शूट कैसे करूँगा इसको? तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, बट ये बताओ बेटा कि जब तुम्हें एक्सरसाइज का मतलब पता था, यू हैव टू शूट इट, देन व्हाई आर यू राइटिंग सच अ थिंग विच कैन नॉट बी शॉट? एटलीस्ट अभी आपकी जिस स्टेज पे तो आप उसको शूट नहीं कर सकते हो. सो ही सेड दैट सर आई वॉज नॉट बींग रियलिस्टिक. आई सेड देन दैट इज द एंटायर पॉइंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ उसमें क्लियर क्या होती है कि जब भी आप कोई स्क्रीन प्ले लिखते हैं तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू शूट दैट स्क्रीन प्ले समवेयर. सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक इन योर अप्रोच. यू कैन नॉट राइट सीन्स विच आर डिफिकल्ट, एटलीस्ट व्हेन यू आर अ यू नो स्टूडेंट फिल्म मेकर और अ अपकमिंग फिल्म मेकर. यू डोंट हैव द बजट ऑल्सो, आपके पास 3-4 दोस्त हैं आपके और कुल मिला के आपके शायद 10-15 हज़ार रुपये भी नहीं है और आपको एक फिल्म बनानी है, तो यू हैव टू बी रियलिस्टिक. तो एक बजट सेट होता है एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्रिंट, बिकॉज वो आपको वो एक ऐसा प्लान है जो आपको कई चीज़ें बताएगा. वो आपको ये भी बताएगा कि इस फिल्म के अंदर, इस स्क्रीन प्ले में कितने मेजर कैरेक्टर्स हैं, इस फिल्म के अंदर कितने माइनर कैरेक्टर्स हैं, कितने जूनियर आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह के सेट्स मुझे बनाने हैं इस फिल्म के लिए, इस फिल्म में कॉस्ट्यूम पे कितना खर्चा होने वाला है, क्या ये कॉलेज की स्क्रिप्ट है, क्या ये एक बाहुबली टाइप की स्क्रिप्ट है, क्या ये अगेन कोई पीरियड ड्रामा है.
सो बेस्ड ऑन ऑल दोस थिंग, या ये कोई यू नो इंडिपेंडेंट इंडियन इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई फिल्म है, तो बेस्ड ऑन दैट आपका नीड बढ़ जाएगी उस स्क्रिप्ट में। अगर आप 1947 इंडिया का दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस समय की कॉस्ट्यूम, उस समय की सेट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम, लैंग्वेज, जो जो आपकी डायलॉग्स हैं वो भी उसी समय के होंगे, कुछ अंग्रेज आपको शायद चाहिए हो, तो आपका वो बढ़ जाएगा कुछ। सो मेक श्योर दैट आपकी स्क्रिप्ट में आपका जो बजट है वो होना चाहिए, आपके मेजर कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स क्लियर होने चाहिए, आर्ट डायरेक्शन किस तरह का होगा और बाकी सारी चीज़ें भी किस तरह की होंगी। सो दैट इज़ वाई अ स्क्रीन प्ले इज कॉल्ड अ ब्लू प्रिंट। अनलेस एंड अनटिल यू हैव कंप्लीटेड इट, यू कैन नॉट गो अहेड। इज दैट क्लियर? सो फ्रेंड्स, नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉवल राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग। आई हैव रिटन अ स्मॉल पैराग्राफ ऑफ अ नॉवल जहाँ पे एक कैरेक्टर है रमेश, हु इज स्लोली यू नो मूविंग टुवर्ड्स अ टेम्पल, एंड दिस इज आई हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ नॉवल। आपने नॉवल्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा उसमें सीन किस तरह से लिखे होते हैं, तो एक बार आइए इसको पढ़ते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको स्क्रीन प्ले में कैसे लिखते हैं। रमेश स्लोली एंड स्टेडिली वॉक्ड टुवर्ड्स द ओल्ड मिस्ट्री टेम्पल, द टेम्पल बिल्ट बाई वन ऑफ द ओल्डेस्ट महाराजाज ऑफ सेंट्रल इंडिया, रिजेंबल्ड मोर लाइक एन ओल्ड हॉन्टेड डिलैपिडेटेड बिल्डिंग एंड हैड फॉलन इन टू डिसरिपेयर सिंस ऑल इट्स केयर टेकर्स हैड डाइड। द पेंट ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल लाइक द ओल्ड वॉर्न आउट टेक्सचर ऑफ एन ओल्ड लेडी हैड लॉन्ग सिंस फेडेड एंड क्रैक्ड इन द रफ नॉर्दर्न सन। रमेश फेल्ट द कोल्ड ब्रीज ब्लो अप अ स्ट्रैंड ऑफ हिज हेयर मोमेंटेरिली फ्रीजिंग हिम, ही फेल्ट समवन्स ब्रेथ ऑन हिज नेक एंड केप स्ट्रॉलिंग अहेड। सो गाइज, जब मैं आपको ये पैराग्राफ पढ़ के सुना रहा था तो आपको कुछ विजुअल्स आ रहे होंगे आपके दिमाग में, राइट? वेरी गुड। अगर विजुअल्स आ रहे हैं दैट मीन्स यू ऑल आर ऑन द राइट ट्रैक एंड इट इज वेरी मच नॉर्मल एंड नेचुरल। तो नाउ लेट अस डू वन थिंग कि इसी सीन को हम अब एक स्क्रीन प्ले के फॉर्म में लिखते हैं। एक स्क्रीन प्ले को किस तरह से लिखते हैं, इसी सीन को हम कैसे लिखेंगे स्क्रीन प्ले में, और फिर बताऊंगा कि क्यों। नाउ स्क्रीन प्ले का ऑब्वियसली फॉर्मेटिंग मैं अभी आपको नेक्स्ट मॉड्यूल्स में बताऊंगा, बट अभी मैं आपको एक रफली बता रहा हूँ। अभी आप बस देख लीजिए किस तरह से लिखते हैं, एक्सप्लेन मैं आपको बाद में करता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे द सीन हेडर, द स्लग लाइन। सीन हेडिंग क्या है कि ये सीन हो कहां पे रहा है। सो दिस इज EXT मीन्स एक्सटीरियर। एक्सटीरियर ऑफ वॉट, किसका एक्सटीरियर है ये? एक्सटीरियर ऑफ an old temple, and then what time? तो obviously day, जो मैंने novel में mention किया कि वो दिन का है। तो this is my slug line, exterior old temple day, clear? This is the location, this is the time, and this is interior or exterior. तो अगर ये अंदर का है कि बाहर का है, और location and the time। उसके बाद हम लिखेंगे गाइस, सो दिस वॉज माई स्लग लाइन एंड दिस इज माई सीन डिस्क्रिप्शन। नाउ आप लोगों को कुछ ताज्जुब सा होगा देख के, आप कहेंगे कि सर पहला वाला जो आपने मुझे बताया था, पहला जो नॉवल दिखाया था, वो तो बहुत ही इलेबोरेट था, बहुत ही इनडेप्थ लिखा हुआ था, एक चीज को डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन इसमें तो हमने खाली एक लाइन लिख दी कि रमेश केयरफुली अप्रोचेस द टेम्पल। तो सर इसमें तो अब क्या करें, मतलब ये तो बहुत छोटा है, नॉवल तो काफी अच्छी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका रीजन क्या है, क्या आप बता सकते हैं इसका रीजन क्या है? सोचिए थोड़ा सा, क्या हो सकता है रीजन कि नॉवल में इतना इलेबोरेट करके लिखा था, इसमें बहुत ही एकदम स्पेसिफिक लिखा है, और इस पे ये हम चाहे तो कि स्क्रीन प्ले के इसको शूट भी कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों जो नॉवल होती है वो बेसिकली एक उसमें कोई विजुअल नहीं होते, जैसा कि आपने शायद कोई नॉवल पढ़ी हो तो उसमें कोई विजुअल नहीं होते। दूसरी बात कि जो नॉवल लिखता है वो उसको इतना इनडेप्थ करके, इतना इलेबोरेट करके इसलिए लिखता है ताकि आपके दिमाग में विजुअल्स क्रिएट हों।
क्योंकि जब आप नॉवल पढ़ते हैं तो अगर आप सिंपल इतना लिख देंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा कि भाई केयरफुली अप्रोचेज द टेम्पल, टेम्पल कैसा टेम्पल है, पुराना टेम्पल है, नया टेम्पल है, छोटा टेम्पल है, बड़ा टेम्पल है, कैसा टेम्पल है. सो यू हैव टू नॉवल में यू डोंट हैव द विजुअल, यू डोंट हैव एनी पिक्चर इन द नॉवल, सिर्फ टेक्स्ट होता है. तो उस टेक्स्ट को इतना ज्यादा इलेबोरेट करना पड़ता है, कई कई बार एक सीन तीन तीन चार चार पेज तक चलता है. लेकिन वो इसलिए होता है क्योंकि जो रीडर है नॉवल का, उसके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये हो क्या रहा है, ताकि वो जब आंखें बंद करे तो एग्जैक्टली वो उस नॉवल के या उस फिक्शन वर्ल्ड में पहुंच जाए, उस काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाए, फिर वो आगे पढ़ना शुरू करता है. लेकिन एक स्क्रीन प्ले जो होता है, वो चूंकि ये एक विजुअल मीडियम है, ये वो है क्योंकि जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो आपके सामने पूरा वीडियो चल रहा होता है, पूरी फिल्म चल रही होती है, तो उसमें आप इतना ज्यादा इनडेप्थ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टेम्पल पुराना है कि नया है, कि टेम्पल छोटा है कि बड़ा है, कि टेम्पल अंदर है कि बाहर है, समझ रहे हैं? वो आप देख सकते हैं. रमेश कैसा दिखता है, रमेश ने कैसे कपड़े पहने हैं, रमेश ने कैसे जूते पहने हैं, रमेश के बाल कैसे हैं, रमेश की उम्र कितनी है, ये सब आप देख सकते हैं एक फिल्म में. इसलिए हम उसको सिर्फ उतना ही लिखते हैं जितना उसका एक्शन है, जितना उसका डिस्क्रिप्शन है, दैट्स इट. सो दैट इज अ बिग डिफरेंस इन नॉवल राइटिंग एंड स्क्रीन प्ले राइटिंग. इन नॉवल राइटिंग यू हैव टू क्रिएट एवरीथिंग इन डेप्थ. एक एक चीज को आपको बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. जमीन का टेक्सचर कैसा है, जमीन का इवन इवन जिस जिस फ्लोर पे वो वॉक कर रहा है वो फ्लोर कैसा है, पत्थर का है, मार्बल का है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, किस चीज का है. जो ऊपर एक पंखा लगा है, वो पंखे से एक आवाज आ रही है, इसका मतलब कि पंखा पुराना है, समझ रहे हैं? तो आपको एक एक चीज, पर्दा है, अगर एक पर्दा लगा हुआ है एक कमरे में तो उस पर्दे का पैटर्न क्या है वो भी बताता है, क्योंकि उस पैटर्न उसका पैटर्न बताता है कि उसका जो मालिक है उस घर का, वो उसका माइंडसेट कैसा है, कि वो बहुत ही महंगा पर्दा है, इसका मतलब कि मालिक उसका बहुत अमीर है. अगर वो थोड़ा फटा हुआ पर्दा है, इसका मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो पर्दे बदल ले. तो यानी कि आपको एक एक चीज में, कहानी में एक एक चीज में आपको उस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब करना पड़ता है नॉवल में, बिकॉज यू डोंट हैव विजुअल्स. वेयर एज इन अ स्क्रीन प्ले यू हैव द विजुअल्स, यू हैव द फ्रेम. फ्रेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ स्क्रीन प्ले. जब आप शूटिंग पे जाओगे जाओगे आप देखोगे कि वहां पे एक पूरा फ्रेम बना होता है. उस फ्रेम के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरह से रखी जाती है कि आपको पूरा क्लियर होता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक अमीर परिवार का आपको दिखाना है, तो उनका घर में जो जो बर्तन है वो कैसे हैं, उनके घर का जो ड्राइंग रूम है वो कितना बड़ा है, उससे आपको पता लगता है कि इसका ये बेसिकली किसी बहुत अमीर आदमी का घर है या एक छोटा सा कुटिया है, एक छोटा सा झोपड़ा है. तो यू यू कैन एब्सोल्युटली सी फॉर योर सेल्फ, नो बडी इज गोइंग टू टेल यू. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज. नाउ लेट मी टेल यू अनदर फ्यू डिफरेंसेज बिटवीन अ स्क्रीन प्ले एंड अ नॉवल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टाइम कंस्ट्रेंट. नाउ व्हाट इज टाइम कंस्ट्रेंट गाइस? इन अ नॉवल यू हैव ऑल द टाइम ऑफ द वर्ल्ड. अ नॉवल कुड बी यू नो 1000 पेज, 500 पेजेस, 400 पेजेस. यू डोंट हैव अ लिमिट टू अ नॉवल. आपका आप कितना भी डिस्क्राइब कर सकते हो, आप किसी भी कैरेक्टर को इन डेप्थ में जाके डिस्क्राइब कर सकते हो, एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हो, टाइम और स्पेस में आगे पीछे जा सकते हो. मैं एक फ्लैशबैक में भी जा सकता हूँ, मैं प्रेजेंट डे में आ सकता हूँ. सो यू नो एक स्टोरी वो चलती जा रही, चलती जा रही है. आपने देखा होगा कई लोग नॉवल पढ़ते हैं तो उसमें बुक मार्क लगा देते हैं और 2 हफ्ते बाद पढ़ते हैं, फिर एक 3 दिन बाद पढ़ते हैं. बट एक नॉवल को ख़त्म करने में 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं, 3 से 4 हफ्ते भी लग जाते हैं. कई बार लोग 3 दिन में, 2 दिन में भी खत्म कर देते हैं नॉवल. सो इट डिपेंड्स एंटायरली कि आप कितना उसको एक्साइटिंग बना पाते हैं. टाइम कंस्ट्रेंट नॉवल में कुछ भी नहीं है. नॉवल पढ़ने के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है. आप चाहें तो 1 साल में भी नॉवल खत्म कर सकते हैं, 2 महीने में भी खत्म कर सकते हैं. बट वेन इट कम्स टू अ स्क्रीन प्ले, अ फिल्म, यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम. दैट इज ईदर 1.5 आवर, 1 आवर, 2 आवर, 2.5 आवर, 3 आवर, और एट मैक्स 3.5 आवर. यू हैव अ लिमिटेशन. सो सेम स्टोरी जिसके लिए आपने शायद 1000 पेजेस लिखे थे एक नॉवल में, यू हैव टू टेल द सेम स्टोरी इन 2 आवर्स. इट्स अ बिग चैलेंज गाइस. सो इफ इट्स अ 2 आवर स्टोरी, दैट मीन्स द स्क्रीन प्ले इज गोइंग टू बी हाउ मेनी पेजेस?
120 पेजेस, बिकॉज 2 आवर इज 120 मिनट्स, 120 पेजेस. सो यहाँ पे तो 1000 पेज हो चुके हैं. तो टाइम कंस्ट्रेंट का एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है दोनों में, नॉवल और स्क्रीन प्ले में. नॉवल में कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं, जबकि स्क्रीन प्ले में यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस अबाउट इट. सो इसका सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि स्क्रीन प्ले में यू कैन नॉट इंक्लूड एवरीथिंग. ठीक है, स्क्रीन प्ले में आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चीजों को ही लेना है, क्योंकि विजुअल एलिमेंट है. विजुअल एलिमेंट को दिमाग में रखते हुए ही स्क्रीन प्ले को लिखना है. नॉवल में विजुअल एलिमेंट नहीं है. इसी से जुड़ा है हमारा दूसरा पॉइंट जो है टेलिंग वर्सेस शोइंग. नॉवल में यू आर टेलिंग एवरीथिंग, यू आर डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग, यू गेटिंग इट. सो आप एक चीज को बता रहे हो, आप पर्दे कमरे में कौन से कलर का पर्दा है, दीवार पे कौन से कलर का पेंट है, फर्नीचर कौन सा है, पंखे का कलर क्या है, पंखे पुराना है कि नहीं. यू आर डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरीथिंग, यू आर टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग, बट इन स्क्रीन प्ले यू हैव टू शो इट. आप इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल नॉवल में आपको लिखना है कि राम इज अ बिट एंग्री, राम इज और रमेश इज अ बिट एंग्री. सो उसको हम कैसे दिखाएंगे, रमेश इज अ बिट एंग्री को हमने लिख दिया रमेश एंग्री, ही इज वेरी एंग्री, ही इज शाउटिंग एट अ गर्ल और अ बॉय, वॉट एवर. बट इन स्क्रीन प्ले इफ यू, हाउ विल यू शो इट दैट अ पर्टिकुलर कैरेक्टर रमेश ही इज एंग्री, यू आर नॉट गोइंग टू राइट रमेश इज एंग्री. कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या लिखते हैं कि रमेश इज लुकिंग एंग्रीली एट अनदर गाय, रमेश इज लुकिंग एंग्रीली एट अनदर गाय. बट इफ आई आस्क यू हाउ आर यू गोइंग टू शूट इट, बिकॉज नॉवल यू आर नॉट गोइंग टू शूट, स्क्रीन प्ले यू आर गोइंग टू शूट इट. सो नाउ इफ आई हैव रिटन कि रमेश इज लुकिंग एंग्रीली एट समबडी, हाउ एम आई गोइंग टू शूट इट, रमेश विल कम, द एक्टर हु इज प्लेइंग रमेश ही विल कम एंड विल आस्क यू, सर कैसे देख रहा हूं, तुम गुस्से से देख रहे हो, तो गुस्से से मैं कैसे देखूंगा उसको, क्या हम रियल में ऐसे देखते हैं गुस्से से, नहीं देखते. तो इस एक्शन को हम शो कैसे करेंगे, एंग्री, एंग्री हम लिखेंगे नहीं, हम एंग्री शो करेंगे. मे बी रमेश उठा करके कुछ उठा के फेंकता है बहुत तेजी से नीचे में, तो अगर हम ये एक्शन दिखाते हैं ये डिपिक्ट कर रहा है कि रमेश एंग्री है, रमेश गुस्से में है. सो यू आर शोइंग इन अ स्क्रीन प्ले, यू डोंट हैव टू टेल. रिमेंबर इन नॉवल इट इज टेलिंग, इन स्क्रीन प्ले इट इज शोइंग. अभी लेटर ऑन जब मैं और आपको एग्जाम्पल्स दूंगा तो और क्लियर होगा आपको. ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज कोलैबोरेटिव वर्सेस अलोन. स्क्रीन प्ले जो है दोस्तों, जो फिल्म है वो बेसिकली इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट. कोलैबोरेटिव आर्ट बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मिल करके एक चीज में एक साथ काम करते हैं. जैसे कि आपको पता है फिल्म में कई लोग जुड़े होते हैं. फिल्म में एक राइटर भी होता है, एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन आपका आर्ट डायरेक्टर होता है, आपका म्यूजिशियंस भी होते हैं, आपका सिंगर भी होता है, आपका एक मेकअप आर्टिस्ट भी होता है, कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी होता है. सो देर आर सो मेनी पीपल हु आर एसोसिएटेड इन अ फिल्म, सो इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट. सो व्हाइल राइटिंग अ स्क्रीन प्ले अ राइटर मेक्स श्योर दैट यू नो आई हैव टू मेक श्योर दैट जो भी आपका स्क्रिप्ट पढ़ेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्टर आपकी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो उसको डायलॉग समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या ये डायलॉग उसके मुताबिक है कि नहीं है. सिमिलरली हैव आई रिटन, हैव आई गिवन इनफ क्यूज फॉर द साउंड डिजाइनर कि वो मेरी स्क्रिप्ट में, मेरे स्क्रीन प्ले में कहाँ कहाँ पे साउंड के एलिमेंट्स हैं, तो उन एलिमेंट्स को कंट्रोल कौन करेगा, साउंड डिजाइनर विल कंट्रोल दोस एलिमेंट्स. सिमिलरली जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है स्क्रिप्ट का वो कौन हैंडल करेगा, वो डायरेक्टर हैंडल करेगा कि जैसे यहाँ पे इस सीन को शूट करने के लिए मुझे कौन सा एंगल लेना है, कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा तरीके से इसको शूट करना है, वो डिसीजन एक डायरेक्टर का होगा. सिमिलरली डायलॉग अगर कोई है तो वो डायलॉग कैसे बोलेगा एक एक्टर, उसको किस तरह से बोलेगा, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर चाहिए उसको कि नहीं चाहिए, सो इट डिपेंड्स. सो इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट. कैमरामैन, कैमरा पर्सन के लिए क्या है उस स्क्रिप्ट में, क्या इतने इनफ क्यूज हैं कि वो समझ सकता है कि इस शॉट को मुझे कैसे लेना है. सो अगेन स्क्रीन प्ले इज कोलैबोरेटिव. नाउ व्हेन इट कम्स टू नॉवल इट इज अलोन. बेसिकली नॉवल जो लिख रहा है वो ही सर्वे सर्वा है उस नॉवल का.
उसको किसी से कोई जरूरत नहीं किसी हेल्प की, वो उसका अपना खुद का थॉट है, वो खुद का उसका क्रिएशन है और आगे चल के भी वो उसका ही क्रिएशन रहेगा। कोई दूसरा आदमी आकर के, क्योंकि उस नॉवल का ना तो कोई प्रोडक्शन होना है, उस नॉवल का वो नॉवल कहीं छप गया है और नॉवल लोग पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली नॉवल का राइटर जो होता है वो अकेला होता है, लेकिन जो फिल्म का स्क्रीन प्ले राइटर होता है वो कोलैबोरेटिव काम करता है, उस स्क्रीन प्ले के बाद कई लोग उस स्क्रीन प्ले के साथ जुड़ते हैं। सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड। नंबर फोर, नंबर फोर इज फिनिश्ड प्रोडक्ट वर्सेस ब्लूप्रिंट। नाउ व्हेन आई से फिनिश्ड प्रोडक्ट, अ नॉवल इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट गाइस, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एक नॉवल जब लिखा जाता है वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, वो सीधा मार्केट में जाता है और लोग उसे खरीद के पढ़ लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ स्क्रीन प्ले, इट इज अ ब्लूप्रिंट, इट इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। स्क्रीन प्ले के बाद उसका प्रोडक्शन होता है, वो फिल्म को बनाया जाता है, उसकी शूटिंग होती है, उसके बाद उस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन होता है जिसमें एडिटिंग होता है, कलर ग्रेडेशन होता है, प्रमोशन होता है, ठीक है, उसके बाद उस फिल्म का रिलीज होता है, फिर उस फिल्म को जज करते हैं, उस फिल्म को या तो हिट होती है या फ्लॉप होती है, जो भी बिजनेस वो करती है। सो फिल्म जो स्क्रीन प्ले है दैट इज अ ब्लूप्रिंट। जैसा मैंने आपको पिछले इसके पहले वाली सेशन में भी बताया कि ब्लूप्रिंट होता है वो ब्लूप्रिंट, और ये नॉवल आपका फिनिश प्रोडक्ट है, नॉवल के बाद कुछ होना नहीं, नॉवल का नॉवल बनके तैयार है, सीधा प्रिंट होगा, लोग उसको पढ़ेंगे। सो दीज आर द फोर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ नॉवल राइटिंग एंड अ स्क्रीन राइटिंग। टाइम कंस्ट्रेंट, टेलिंग वर्सेस शोइंग, कोलैबोरेटिव वर्सेस अलोन, फिनिश प्रोडक्ट वर्सेस ब्लूप्रिंट। इन केस इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन प्लीज नोट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन समवेयर, सो दैट वंस वी आर talking in our doubt session, we can clear it out. So I hope I was able to convey something about novel writing and screenplay writing. If you had any doubts prior to this session, I hope after this session some of your doubts might have been cleared now. So let me know in case if you have any queries. Next time we are not going to move ahead and discuss another thing which is very important. So guys, now we should move ahead now and find out another section of this module, which is original screenplay and adapted screenplay. Now again, there is a lot of people have asked this question, sir, what is the difference adapted and original screenplay? Adapted screenplay वो screenplays होते हैं जो कि किसी short film से, poem से, या किसी play से, या किसी किसी भी किसी और चीज़ से, किसी novel से हो सकता है, वहाँ से अडेप्ट किए हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने देखा विशाल भारद्वाज जी जो हैं, बहुत बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के, उनकी ज़्यादातर जो फिल्में होती हैं वो शेक्सपियरियन प्लेस पे बेस्ड होती हैं, तो वहाँ से अडेप्टेशन वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओथेलो वॉज मेड एज ओमकारा, मैकबेथ मकबूल बनी, देन हैमलेट बनी हैदर, सो ही इज़ अडेप्टिंग अ लॉट ऑफ फिल्म इन दैट वे। रिसेंट अभी एक वेब सीरीज आई थी, एक टीवी सीरीज आई थी जिसका नाम था सीक्रेट गेम्स, वो भी सीक्रेट गेम्स नॉवल से इंस्पायर्ड थी। सो ये एक अडेप्टेशन होता है। अडेप्टेशन मतलब कि आप किसी भी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेरी वर्क को आप स्क्रीन पे उतारते हो, वो एक पोयम भी हो सकती है। सत्यजीत रे ने भी कई अपने पोयम्स पे बेस करके शॉर्ट फिल्म्स बनाई जो कि लेटर ऑन फीचर फिल्म्स भी बनी। सो अडेप्टेशन ये उनके लिए ज़्यादा कामयाब चीज़ है, उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है जो लोगों को कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है टू मेक फिल्म्स। बिकॉज गाइज, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले लिखना बड़ा ही मुश्किल काम है, और कई बार ये ज़रूरी नहीं कि आप ओरिजिनल स्क्रीन प्ले लिखने के चक्कर में, क्योंकि आपकी क्राफ्ट जो होती है डायरेक्शन की, राइटिंग की, वो कहीं ना कहीं सफ़र करती है। सो इनकेस ये अडेप्ट करते, अगर आप किसी प्ले को अडेप्ट करते हैं, किसी नॉवल को अडेप्ट कर लेते हैं, उससे फ़ायदा ये मिलता है कि वो ऑलरेडी आपके पास एक एक खांचा है, एक छोटा सा एक ब्लू प्रिंट है, जिसको आप अगेन एक वर्क में अपने इलेबोरेट करके आप और काम कर सकते हैं। चाहे वो शायद ये भी हो सकता है कि किसी फिल्म का कोई फेमस डायलॉग हो, आप उसको भी इलेबोरेट कर सकते हैं। सो अडेप्टेशंस आर ऑलवेज सुटेबल फॉर पीपल हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड ओरिजिनल थॉट्स और ओरिजिनल आइडियाज़। ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, आप अडेप्टेशन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है आज के टाइम पे, और कई लोग रियल लाइफ पे भी बेस्ड करते हैं अपनी फिल्म्स को। फॉर एग्जाम्पल भाग मिल्खा भाग वॉज बेस्ड ऑन मिल्खा सिंह जी, एंड यू नो और भी बायोपिक्स बने हैं हमारे यहाँ, तो वो भी एक तरह से अडेप्टेशन ही हम कहेंगे कि आप किसी एक, अभी दंगल फिल्म आई थी महावीर फोगट की लाइफ पे पूरी बेस्ड थी,
तो थोड़ा सा उसको वो लोग फिक्शनलाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा फैक्ट्स ले लेते हैं और उनको मिला करके एक अच्छी स्टोरी बना देते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले इज समथिंग विच इज द ओरिजिनल वर्क ऑफ द राइटर, ओरिजिनल वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज रिटन दैट स्क्रीन प्ले। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी फिल्म हैं, जैसे जब वी मेट एक फिल्म आई थी जो कि ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है, उस पर पहले कोई काम नहीं हुआ। लगान वॉज अ ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, यू नो दिल चाहता है वॉज एन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। सो दीज आर द फिल्म्स विच आर टर्म्ड एज 13B। एक फिल्म आई थी आर माधवन की, अ वेंसडे फिल्म थी। 13B जो थी वो तो बाद में लेटर ऑन रीजनल सिनेमा ने भी, साउथ इंडियन सिनेमा ने भी उस फिल्म को लिया और उसको दोबारा बनाया। आई थिंक एक हॉलीवुड फिल्म भी थी जो डायरेक्टर थे जिनको वो फिल्म काफी पसंद आई थी। तो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले भी काफी ज्यादा मैं कहूंगा कि क्योंकि उनका उनका कोई पीछे से कोई काम नहीं हुआ हुआ है और उसको एक अलग तरह से लिखा गया है, उसका एक अलग एक नजरिया है और एक अलग तरह से उसको डिजाइन किया गया है जो कि राइटर का अपना खुद का पर्सपेक्टिव है। और आज के टाइम पे अगर आप एक ओरिजिनल स्क्रीन पे लिख देते हैं अपना पूरा, तो विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड सो आई थिंक दिस इज़ अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दैट हैपेंड अ फ्यू डेज बैक बिटवीन मी एंड वन ऑफ माई कलीग। सो बोथ ऑफ अस वर डिस्कसिंग वेदर यू नो विच वन इज बेटर, वी शुड गो एट विद लाइक वी शुड राइट अस ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी हेल्दी एंड इट डजेंट रियली मैटर वॉट काइंड ऑफ स्क्रीन प्ले यू आर गोइंग टू राइट, सो फार यू हैव अ स्टोरी टू टेल। सो आई थिंक दिस इज ऑब्वियस नाउ, यू गाइज नाउ नो, प्लीज राइट इट डाउन समवेयर दैट इज अ डिफरेंस इन ओरिजिनल एंड अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। ओके गाइज, सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट फेज ऑफ दिस मॉड्यूल इज द डायलॉग्स। हर स्क्रीन प्ले का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डायलॉग्स, एंड ट्रस्ट मी डायलॉग राइटिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स इन दिस फिल्म मेकिंग। इट माइट लुक वेरी इजी ऑन द सरफेस, यू माइट फील दैट यू नो डायलॉग ही तो लिखना है कैसे बोलना है, बट ट्रस्ट मी गाइस दिस इज समथिंग विच इज यू नो विच इज नॉट सो इजी। ये आपको रियलाइज तब होगा जब आप डायलॉग लिखेंगे। एक चीज होती है डायलॉग लिखना और एक होता है डायलॉग जब स्क्रीन पे वो आता है तो कैसा लगता है। तो हम जब लिखते हैं तो हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही लिखा है, बट जब वो स्क्रीन पे को रिप्रोड्यूस करते हैं दोबारा से तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील आएगा कि यार ऐसे कौन बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंथेटिक लग रहा है। सो डायलॉग राइटिंग हैज़ टू बी वेरी यू नो इट हैज़ टू बी डन विद प्रॉपर केयर। अ फ्यू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू टेल यू रिगार्डिंग डायलॉग राइटिंग, कि वैसे मैं डायलॉग का एक अलग से मॉड्यूल बताऊंगा बट फिर भी थोड़ा सा भी एक आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता देता हूँ कि एक डायलॉग में एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं एंटर लेट एंड एग्जिट अर्ली। एंटर लेट एंड एग्जिट अर्ली, एंटर मतलब मैं ये आपको लिख के दिखा देता हूँ, एंटर लेट एग्जिट अर्ली। सो विच क्लियरली मीन्स दैट, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहाँ पे एंटर कर रहे हैं कहाँ से एग्जिट कर रहे हैं आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा। वेन आई से एंटर लेट दैट मीन्स कि एक सीन में हमें बहुत एंटर हमें लेट एंटर करना है। जब उस सीन में हम कहीं पे पहुंच चुके हैं हम वहां पे एंटर करेंगे और बीच में ही हम एग्जिट कर लेते हैं, हम उस सीन को प्रॉपर फिनिशिंग नहीं देते हैं। दिस इज अ बेसिक मिस्टेक दैट राइटर्स मेक व्हेन दे स्टार्ट राइटिंग समथिंग, कि हम पूरे पूरे सीन को स्टार्टिंग से लिखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये फिल्म का जो मीडियम है इट हैज टू बी यू नो एक स्नैपशॉट व्यू होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जर्नी पे जाते हैं तो वहां जब आपका कोई दोस्त पूछता है कि यार कैसा लगा मनाली का ट्रिप कैसा गया, तो आप उसको क्या प्रॉपर एक एक चीज बताते हैं कि मैं उस दिन उठा, फिर मैं टॉयलेट गया, फिर मैंने नहाया, फिर मैंने कपड़े पहने, फिर मैं बस में बैठा, फिर मैं वहां, ऐसे तो नहीं बताते ना, इतना किसी को याद रहता है। आप क्या बताते हो, आप सिर्फ वो चीजें बताते हैं जो हाईलाइट्स थे उस पूरी जर्नी के, और मे भी शायद उस ऑर्डर में शायद नहीं बताते हो, आगे पीछे करके बताते हो। इसी तरह से डायलॉग राइटिंग में भी बहुत जरूरी है कि एंटर लेट, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम किसी जब हम डायलॉग्स अभी आगे जब हम पढ़ेंगे, लेकिन इस चीज को आप लिख लीजिएगा अभी अपने नोटबुक्स में अपने डायरीज में, क्योंकि लेटर ऑन दिस थिंग इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू वंस यू स्टार्ट राइटिंग फिल्म्स। नंबर टू इन दिस कैटेगरी इन डायलॉग्स इज मेक श्योर दैट व्हाट योर कैरेक्टर्स इज नॉट स्पीकिंग, जो आपका कैरेक्टर नहीं बोल रहा है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हम सिर्फ उसी चीजों पर ध्यान देते हैं जो बोल रहा है एक कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर क्या बोलेगा या क्या नहीं बोल रहा है जब उसका रिस्पॉन्स आया
वो बहुत जरूरी है, वो हम लोग मिस कर जाते हैं राइटिंग में। राइटिंग में हम हमेशा उस पर हम सिर्फ वर्बल क्यूज पे ध्यान देते हैं कि वर्बल क्या बोल रहे हैं वो, लेकिन जब वर्बल के अलावा जब आप, क्योंकि जब आप शूटिंग पे जाते हो तो एक एक्टर को बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि यार यहाँ पे तो कोई डायलॉग है ही नहीं मेरा, तो मुझे रिएक्ट कैसे करना है या क्या डायलॉग बोलना है, क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी है, तो वो बहुत जरूरी है। तो क्या आपको जरूरी है कि हर बात आपको बोल के ही बतानी है या कुछ बातें आप बिना बोले भी बता सकते हैं, इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगले मॉड्यूल्स में। नंबर थ्री मैं बोलूंगा इसमें है वो है कि अपने जो डायलॉग्स हैं, जो मोनोलॉग्स हैं, वो बहुत दिमाग से यूज करिएगा। मोनोलॉग्स जो होते हैं कि एक एक बहुत लंबी सी कोई स्पीच दे रहा है, एक कैरेक्टर है आपकी फिल्म का जो बहुत लंबा सा एक स्पीच दे रहा है एक फिल्म के अंदर, जिसे मोनोलॉग बोलते हैं, ये बहुत ध्यान से यूज करने वाली चीज है, क्योंकि अगर ये सही जगह पे आपने इंप्लीमेंट नहीं किया कि स्क्रीन प्ले में, तो ये बैकफायर कर जाएगा और आपका स्क्रीन प्ले बहुत ही बोरिंग बन सकता है या बहुत ही प्रीची बन सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए भी हम एक्सरसाइज करेंगे आगे चल के कि किस तरह से हम मोनोलॉग्स को कब यूज करें स्क्रीन प्ले में और करें तो कितनी देर का यूज करें, विच कुड बी वेरी इफेक्टिव। नंबर फोर, मेक श्योर कि आप डायलेक्ट्स को बहुत अच्छे से यूज करें अपने डायलॉग्स में। डायलेक्ट्स का मतलब कि किसी भी छोटे से टाउन की कहानी है या किसी स्टेट की कहानी है या किसी छोटे से एक गांव की कहानी है, तो उस गांव का वो कौन से स्टेट में है, अगर वो जयपुर में है तो राजस्थान में, तो राजस्थान में उस जगह पे लोग किस तरह से बोलते हैं, वहां पे इस टर्म को क्या बोला जाता है, ठीक है। और चूंकि हमारा देश ऐसा है कि हर 10 किलोमीटर के बाद भाषा, बोलने का तरीका, पहनावा सब बदल जाता है, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक स्क्रीन राइटर के लिए कि उस डायलेक्ट को पकड़ना। अगर आपने वो डायलेक्ट नहीं पकड़ा तो कहीं ना कहीं वो स्क्रिप्ट आपकी बहुत सिंथेटिक लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन ऑफ माई कैरेक्टर इज फ्रॉम भोपाल एंड वन ऑफ माई कैरेक्टर इज फ्रॉम हरियाणा, तो हरियाणा में अलग तरह से वो बोलेगा, लाइन एक ही बोलनी है बट उसका डायलेक्ट अलग होगा, भोपाल की अलग पंच लाइन्स होंगी, दोनों का मतलब सेम होगा लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, तो आपको उसका डायलेक्ट पकड़ना पड़ेगा। तो यू माइट हैव टू गो टू भोपाल, यू माइट हैव टू मीट अ फ्यू पीपल इफ यू आर राइटिंग, इफ योर कैरेक्टर इज फ्रॉम भोपाल तो आपको भोपाल जाकर के उस जैसे कैरेक्टर से मिलना पड़ेगा, तब आप थोड़ा रियलिस्टिक डायलॉग्स लिख पाएंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग, नंबर फाइव मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोशिश करिए कि हर चीज़ मत लिख दीजिए अपने स्क्रिप्ट में। सो अवॉइड रिडंडेंसी, कि आप ऐसा ना हो कि कहीं पे आप सब कुछ लिख दिया आपने कैरेक्टर के बारे में, तो इट वुड लुक वेरी आर्टिफिशियल एंड वेरी सिंथेटिक। सो दीज आर 5 पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग डायलॉग्स, बट डोंट वरी, अभी तो ये सिर्फ बिगनिंग है, अभी हम आगे जिस तरह से पढ़ेंगे अभी हम डायलॉग की प्रैक्टिस भी करेंगे। डायलॉग्स के मैं आपको कुछ डायलॉग राइटिंग के ऊपर कुछ स्क्रीन प्लेस बताऊंगा कैसे लिखना, मैं आपको खुद लिख के दिखाऊंगा, तो विच कुड बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप डायलॉग वाला पोर्शन आपको क्लियर हुआ। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विजुअल स्टोरी टेलिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग। ये एक ऐसी कला है जो हमें बहुत धीरे धीरे से आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नॉवल राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग में टेलिंग वर्सेस शोइंग है, स्क्रीन प्ले इज ऑल अबाउट शोइंग। सो हाउ आर यू गोइंग टू कन्वे योर सीन, कन्वे योर आइडिया विजुअली। सो अभी हम जैसे जैसे ये आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल, सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस राइटिंग सीन्स, सो देन आई थिंक यू विल गेट अ फेयर आइडिया एज टू हाउ आर वी गोइंग टू राइट सीन्स विजुअली। सो बिकॉज ये चीज़ ऐसी है कि जब आप लिखेंगे तो आपको लगे आप सही लिख रहे हैं, लेकिन वंस इट अपीयर्स ऑन स्क्रीन और वंस यू आर आउट फॉर शूट, यू आर गोइंग टू फेस डिफिकल्टीज। सो माई जॉब हेयर इज टू फैसिलिटेट इट, टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंपलेस्ट मैनर ऑन हाउ टू इनकॉर्पोरेट थिंग्स विजुअली इन योर स्क्रीन प्ले, क्योंकि हमें सिर्फ बोलना नहीं, हमें दिखाना है। तो राइटर की एक सबसे बड़ी ड्यूटी होती है प्रोडक्शन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करना। अपनी राइटिंग आप ऐसी रखिए कि डायरेक्टर को, एक्टर को, साउंड डिजाइनर को, सबको एक क्यू मिले, उनको एक आइडिया लग जाए कि हाँ इस सीन में इन्होंने इस तरह से लिखा है कि आई कैन अंडरस्टैंड एज टू हाउ मेनी प्रॉप्स डू वी नीड, व्हाट काइंड ऑफ साउंड डू वी नीड, व्हाट काइंड ऑफ डायलॉग नीड्स टू बी डन, व्हाट काइंड ऑफ प्रोनंसिएशन इज रिक्वायर्ड, या विजुअली प्रेजेंटेशन ऐसी है, कलर कैसा होगा, जो हमारा आर्ट डायरेक्शन है वो कैसा होगा, तो वो राइटिंग से कैसे कनेक्टेड है ये मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये आपको
बहुत कम बुक्स पे मिलेगी, और अगर बुक्स में मिलेगी भी तो आपको समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, क्योंकि बुक्स में आमतौर पर मैंने ये देखा है कि जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, अगर टफ इंग्लिश का यूज़ कर लिया या जार्गन्स का यूज़ कर लिया तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। तो मेरा यहाँ पे मेन एम ये है कि आपको क्लियर करना। मेरा एम ये नहीं है कि आपको मैं स्क्रीन राइटिंग पढ़ाऊँ, मेरा एम ये है कि आप स्क्रीन राइटर बन पाएँ, आप स्क्रिप्ट लिख पाएँ। तो मेक श्योर करिएगा कि जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेक श्योर आप डायरी और पेन को अपने साथ रखें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, और विजुअल स्टोरी टेलिंग हम आगे बढ़ते हुए मॉड्यूल्स में करेंगे। बिकॉज ये अगर मैं बताना चाहूँ तो बता तो दूंगा, लेकिन आप जब तक करेंगे नहीं और मैं आपको करवाऊंगा नहीं, ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। एंड ट्रस्ट मी, मेरे कई स्टूडेंट्स जो बैचलर्स फिल्म मेकिंग में भी पढ़ रहे थे, जो मास्टर्स भी पढ़ रहे थे, जो 3 साल से लगातार स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ रहे हैं, उनको भी ये डिफिकल्टी आती है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। सो प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल। तो मैं आपको विजुअल स्टोरी टेलिंग बताऊंगा मॉड्यूल 4 में बताऊंगा। उस मॉड्यूल में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको सारा पता पूरा क्लियर लगेगा कि किस तरह से हमें सीन्स को विजुअली लिखना है। सो आफ्टर विजुअल स्टोरी टेलिंग, वन मोर कंपोनेंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस मास्टर क्लास इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर स्क्रीन प्ले। नाउ व्हेन आई से स्ट्रक्चर ऑफ योर स्क्रीन प्ले, इट रियली मीन्स कि आपकी स्टोरी टेलिंग किस फॉर्म में होने वाली है। दो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों फिल्म मेकिंग में, राइटिंग में। एक होता है लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज द लीनियर स्ट्रक्चर। नाउ लीनियर स्ट्रक्चर एसेंशियली मीन्स कि आपकी जो स्टोरी है वो एक फॉर्म में चल रही है, एक जो एक कंटिन्यूएशन है, कि फॉर एग्जांपल कि कुछ भी उसमें जो हो रहा है वो एक के बाद एक होता चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल से समझाऊं तो फिल्म लाइक जब वी मेट। नाउ इन जब वी मेट चीजें शुरू होती हैं तो आप देखेंगे कि उस फिल्म में कोई मेजर फ्लैशबैक नहीं है, उस फिल्म में हम कभी पीछे नहीं जाते हैं स्टोरी में, और स्टोरी बड़ी प्रोग्रेसिव है। दैट मींस कि जब स्टोरी अगर आज शुरू हो रही है तो स्टोरी आज से आगे ही बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर स्टोरी स्टार्ट हो रही है 2020 में, तो स्टोरी फिल्म के अंदर भी 2021, 2022, 2023 तक जाएगी, मे बी शायद वहां पे वो फिल्म खत्म हो जाएगी, लेकिन वो लीनियर फॉर्म में चलती है, पीछे नहीं आती है। ठीक है, जब वी मेट हो गई, ट्रैप्ड एक फिल्म आई थी विक्रमादित्य मोटवाने की, तो उसमें भी आप देखेंगे तो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टोरी। इट हैपन इट स्टार्ट्स ऑन अ सर्टेन डे एंड फिर वो कंटिन्यू होती जाती है टिल द टाइम राजकुमार राव कम्स आउट ऑफ द अपार्टमेंट ऑन हिज ओन, तो वहां पे फिल्म खत्म होती है। वहां कहीं कहीं पे भी आपको एक फ्लैशबैक मोड में हम नहीं, आगे पीछे नहीं जाते हैं स्टोरी में। ठीक है, वो सारा होता है आपका लीनियर स्टोरी टेलिंग। कई ऐसी फिल्में होती हैं दोस्तों जो मुझे लगता है कि एक एक राइटर के लिए सिलेक्ट करना बड़ा जरूरी होता है कि आप लीनियर स्ट्रक्चर लेते हैं नॉन लीनियर स्ट्रक्चर लेते हैं। अगेन इट्स अ चॉइस ऑफ द राइटर एंड डायरेक्टर कि वो कौन से इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर लेता है। नॉन लीनियर पहले बता देता हूं आपको, नॉन नॉन लीनियर स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें फ्लैशबैक्स होते हैं बहुत सारे, हम स्टोरी आगे पीछे आते हुए कन्वे करते हैं। ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल मुझे लगता है नॉन लीनियर स्ट्रक्चर, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देता है, और हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी बना सकते हैं। और इसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा कई बार दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप अच्छे से इसको लिखते हैं या अच्छे से डायरेक्ट करते हैं, देन आई थिंक इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्पेशली इफ यू आर कवरिंग यू नो अ लार्ज एरिया, अ लार्ज पोर्शन ऑफ टाइम इन योर स्क्रिप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो एक फिल्म आई थी आपने देखी होगी रॉकस्टार, रणबीर कपूर की, इम्तियाज अली ने डायरेक्ट की थी। उस फिल्म में आप देखेंगे तो फिल्म का जो नरेटिव है वो आगे पीछे होता है, कभी वो फिल्म स्टार्ट होती है प्रेजेंट डे से, फिर हम पास्ट में जाते हैं रणबीर कपूर के, फिर घूम के फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, फिर हम पास्ट में जाते हैं, फिर प्रेजेंट में आते हैं। तो कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है इस तरह की फिल्म का। इसी तरह एक और फिल्म है राजकुमार हिरानी की, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स का स्ट्रक्चर भी सेम है, फिल्म स्टार्ट प्रेजेंट डे से होती है, जब हमें राजू और फरहान मिलते हैं और वहाँ पे चतुर कम्स और वो उनको बताता है, और फिर वो तीनों एक जर्नी पे निकलते हैं, फिर हम फ्लैशबैक पे जाते हैं, हम रेंचो को देखते हैं,
जितना भी हम रेंचो को, जितना भी आमिर खान को उस फिल्म में देखते हैं, वो हम सिर्फ फ्लैशबैक में ही देखते हैं। प्रेजेंट डे में आमिर खान को हम देखते हैं इन द लास्ट सीन, जब वो अपना स्कूल बना चुका होता है। दैट इज द प्रेजेंट डे रेंचो इन द फिल्म। अदरवाइज वॉट एवर उस फिल्म में हम रेंचो को देखते हैं, वो सारा पास्ट में देखते हैं फ्लैशबैक के थ्रू। अगेन राजकुमार हिरानी जी ने बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर को यूज किया है, किस तरह से पूरी स्टोरी कन्वे करी, बिकॉज फिल्म के अंदर वो स्टोरी कम से कम नहीं तो 10 से 12 साल का ड्यूरेशन दिखाती है। तो उस 10 से 12 साल के ड्यूरेशन को आप नॉन लीनियर वे में अगर दिखाएंगे तो इट बिकम्स इजियर फॉर द राइटर ऑल्सो एंड फॉर द डायरेक्टर एंड ऑल्सो फॉर द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड। जैसे एक फिल्म और आई थी मेरा नाम जोकर, राज कपूर जी की, मुझे ऐसा लगा कि वो फिल्म शायद इसलिए नहीं चली, या और बेटर बनना ही जा सकती थी, क्योंकि उसमें लीनियर स्ट्रक्चर फॉलो किया था उन्होंने। फिल्म स्टार्ट होती है जब राजू छोटा है, फिर वो बड़ा होता है, और उसके 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ दिखाए गए हैं, और एंड में जाके वो फिल्म खत्म होती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम उसको प्रेजेंट डे से स्टार्ट करके पास्ट में जाके फिर प्रेजेंट में आते, तो शायद वो फिल्म जो कि 2 इंटरवल की फिल्म थी और करीबन 3.5-4 घंटे की फिल्म थी, वो कहीं ना कहीं कंप्रेस होके 2-2.5 घंटे की फिल्म अच्छी बन सकती थी। बट नेवर माइंड, ये सब चलता रहता है, और ये आपको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि लीनियर स्ट्रक्चर में आप फिल्म बनाते हैं, नॉन लीनियर में। दोनों ही तरह से आप फिल्म बना सकते हैं। लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी ऑनेस्टली, इस जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी फिल्म 10-15 साल के उसमें बन रही है तो आप उसको नॉन लीनियर वे में ही बनाएंगे। इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन योर क्रिएटिव माइंडसेट एंड व्हाट डायरेक्टर टेल्स यू टू डू। सो अगेन, इट्स अ टफ आस्क, यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योर सेल्फ। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज रिमेंबर दीज टू स्ट्रक्चर्स। अभी हम अपने मॉड्यूल्स में इसको और भी डिस्कशन करेंगे जब हम और फिल्म्स के स्क्रीन पे लिखेंगे या बताएंगे। सो लीनियर स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर स्ट्रक्चर्स, मेक श्योर दैट यू राइट इट। ओके फ्रेंड्स, सो आफ्टर नॉन लीनियर एंड लीनियर स्ट्रक्चर, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट कंपोनेंट विच इज कॉल्ड एज एक्सपोजिशन। नाउ आई शुड राइट इट डाउन फॉर यू। What is exposition? I hope you have not heard this term before. Exposition आपने शायद ना सुना हो उससे पहले कभी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि it's a very important topic in script writing. Exposition is essentially the backstory. हमारी जो फिल्म होती है दोस्तों, जो भी फिल्म स्टार्ट होती है वो एक सर्टेन टाइम से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फिल्म अंधाधुन की बात करूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे एंड वी सी दैट आवर प्रोटैगनिस्ट आयुष्मान खुराना, ही इज बेसिकली अ ब्लाइंड गाय, ही प्लेज पियानो एंड देर इज अ कैट इन हिज हाउस एंड यू नो ही इज डूइंग द डेली स्टफ वॉट एवर, ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, देन ही मीट्स अ गर्ल राधिका आप्टे एंड थिंग्स गो ऑन। सो वी मीट आयुष्मान खुराना एट सम स्टेज ऑफ हिज लाइफ, हम उसकी किसी लाइफ के बीचों बीच हम जाके उसको मिलते हैं, लेकिन वी डोंट नो मच अबाउट हिज बैक स्टोरी, बिकॉज कभी ना कभी तो आपकी जो भी फिल्म होगी वो प्रेजेंट डे से या एक एक कैरेक्टर के किसी भी लाइफ स्पैन में किसी भी टाइम पीरियड से स्टार्ट होती है, तो उसके पहले की जो बैक स्टोरी है वो हमें नहीं पता होती। लेकिन वी हैव टू मेक श्योर दैट वो हमें ऑडियंस को कैसे बतानी है, ठीक है। तो एक उस बैक स्टोरी को हम अपने स्क्रिप्ट में किस तरह से ऐड करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगेन इसको हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे अभी आगे आने वाले मॉड्यूल्स में आपको थोड़ा क्लियर होता चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने शोले फिल्म देखी होगी। शोले में जब ठाकुर जो है वो जो मेजर फ्लैशबैक है पहला फिल्म का, उसमें वी सी संजीव कुमार जी जो है वो अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र जी को ट्रेन में लेके जा रहे हैं, जब वो ऑफिसर होते हैं फिल्म के अंदर, एंड जय और वीरू दोनों दे आर पेटी थीव्स, छोटे मोटे चोर हैं, उचक्के हैं, तो उनको ट्रेन में लेके वो जा रहे हैं, और वहाँ पे एक उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। तो ठाकुर जो होते हैं ही आस्क्स बोथ ऑफ देम दैट भाई ये कब से तुम ये सब कर रहे हो, ये जो तुम चोरी चपाड़ी कर रहे हो कब से कर रहे हो। तो उसमें धर्मेंद्र का जो कैरेक्टर है, जो वीरू का कैरेक्टर है, वो बोलता है कि क्या बताएं ठाकुर साहब, जब जब से होश संभाला है तब से ऐसा ही है, तब से हम साथ हैं। तो जो ये डायलॉग है धर्मेंद्र का उसमें, जिसमें वो बोलते हैं जब से होश संभाला है तब से हम साथ हैं, ये अपने आप में एक एक्सपोजिशन है। एक्सपोजिशन, दिस इज एक्सपोजिशन थ्रू डायलॉग।
और दैट इज धर्मेंद्र और अमिताभ के बारे में जो बैक स्टोरी है शोले में, हमने कहीं पे भी ये नहीं देखा है कि जय और वीरू को छोटे से बड़ा होते हुए दिखाया गया हो, कि वो दोनों छोटे हैं फिर वो कहीं मिले या जो भी है। हमने उनको एक फेज से देखा है, एक एक उनकी लाइफ का एक फेज है जहां से उनको देखा है जय और वीरू को। मोस्टली दे आर यंग, दे आर इनटू देयर यू नो 20s और लेट 20s, सो वी डोंट नो मच अबाउट दैम। हमें उनका पहले की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। तो सलीम जावेद ने जो स्क्रीन प्ले लिखा है उसमें उन्होंने एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में, जो धर्मेंद्र बोलते हैं कि जब से होश संभाला है तब से हम साथ हैं, उस एक्सपोजिशन को यूज करके डायलॉग के थ्रू उन्होंने उनकी बैक स्टोरी को थोड़ा सा बताया है। यानी कि इससे अंदाज हम लगा सकते हैं कि हो सकता है जय और वीरू बचपन में अनाथ हो, दोनों एक जुवेनाइल उसमें मिले हों, जेल में मिले हों, या शायद आपस में कहीं कुछ चोरी कर रहे होंगे, एक ने दूसरे की मदद की होगी, फिर दोनों दोस्त बन गए होंगे। तो दिस इज वेरी ऑब्वियस। सो ये जरूरी नहीं है कि आप एक हर एक कैरेक्टर का फ्लैशबैक दिखाएं, हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी दिखाएं। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा हिंट दे सकते हैं उस कैरेक्टर की बैक स्टोरी के बारे में। अब बैक स्टोरी जो है, एक्सपोजिशन है, वो कई तरह से आप कर सकते हैं। जैसे शोले में मैंने आपको बताया वो डायलॉग के थ्रू हो रखी है। किसी किसी फिल्म में आपने देखा होगा एक कैरेक्टर है और वो एक अपने रूम में बैठा है एंड ही इज हैविंग कॉफी, और उसके रूम में पीछे उसकी दीवार पे एक फोटो लगी है जिसमें वही आदमी जो कॉफी पी रहा है उस फोटो में दिख रहा है, उसके साथ एक लेडी है और वो शायद उनकी शादी की फोटो लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस कैरेक्टर की शादी हो चुकी है और इसकी वाइफ कहीं अभी नजर नहीं आ रही है। इसका मतलब या तो उसकी वाइफ शी इज नो मोर, या फिर उसकी वाइफ कहीं गई हुई है, या उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया है। ये दो या तीन चीजों में से एक चीज हो सकती है, क्योंकि हमें वो एक्सपोजिशन, तो वो जो दीवार पे लगा एक फोटो फ्रेम है, दैट इज एक्सपोजिशन थ्रू फोटोग्राफ। सो आप एक बैक स्टोरी रिवील कर रहे हैं एक फोटोग्राफ के थ्रू। तो जब हम कोई सीन लिखते हैं तो हमें एक राइटर के तौर पे ये जितने भी प्रॉप्स हैं, जितने भी डिटेल्स हैं, उनको दिमाग में रखना, ताकि वो सीन को जब हम शूट करेंगे तो ऑडियंस को एकदम क्लियर हो जाएगा कि अरे यार इस कैरेक्टर की ये बैक स्टोरी, अच्छा ये शादीशुदा लग रहा है, अच्छा इसके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है, अच्छा ये शायद ब्लाइंड है, ओके ओके, अच्छा मेरे ख्याल से ना ये इसका एक एक्सीडेंट में इसका एक पैर चला गया, वो एक्सीडेंट इस वजह से हुआ होगा। सो ये ऑडियंस कभी बोलेगी नहीं, बट उसके माइंड में ये चीजें ऑटोमेटिकली प्लेस कर दी जाती हैं। सो एक्सपोजिशन कैन बी डन थ्रू वेरियस वेज, जैसे डायलॉग हो गया, फोटोग्राफ हो गई, कई बार हम देखेंगे कि टेक्स्ट के थ्रू भी होता है, कि यहाँ पे सुपर आता है लिख के स्क्रीन पे कि 14 years बैक। फ्लैशबैक इज अगेन अ फॉर्म ऑफ एक्सपोजिशन, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्सपोजिशन। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा, बोलते हैं कि कैमरा जूम इन होता है और कैरेक्टर बोलता है कि 10 साल पहले की बात है, और फिर कैमरा जूम इन हो जाता है, डिजोल्व होता है, एंड देन वी सी यही सेम कैरेक्टर 10 साल पहले का दिखा रहे हैं। तो वो भी एक बैक स्टोरी बता रहा है 10 साल पहले की, बट वो फ्लैशबैक के थ्रू बता रहा है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सपोजिशन। सो यू नो दीज थिंग्स, यू नो यू हैव टू फाइंड आउट कि मैं कौन सी चीज को किस तरह से यूज करूं। अगर आप एक अच्छा राइटर बनना है, देन मेरा आपको मतलब मेरा ये ऐसा मानना है कि आप फोटोग्राफ का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, डायलॉग का बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, और डायलॉग जब हम पढ़ेंगे तो हम तब भी प्रैक्टिस करेंगे कि एक्सपोजिशन को किस तरह से हम अपने डायलॉग में लिखें। सो इस टर्म को भी आप अपनी डायरी में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत यू नो यूजफुल होने वाला है एक्सपोजिशन का, कि हाउ टू टेल योर बैक स्टोरी। तो राइटिंग में हम कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 1 खत्म होता है दोस्तों, और मॉड्यूल 1 में हमने इस कोर्स के जो जो चीजें सीखी एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। हमने इसमें सीखा कि स्क्रीन प्ले की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज अ स्क्रीन प्ले। हमने इसमें सीखा कि व्हाई अ स्क्रीन प्ले इज कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट ऑफ अ स्टोरी। हमने इसमें यह भी सीखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉवल राइटिंग एंड द स्क्रीन प्ले राइटिंग, व्हाट इज अ ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, व्हाट इज अ अडेप्टेड स्क्रीन प्ले, देन व्हाट इज विजुअल स्टोरी टेलिंग, जो भी हम आगे और करने वाले मॉड्यूल 4 में। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रीन प्ले, विच इज लीनियर और नॉन लीनियर, अगेन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट। वी ऑल्सो लर्न अबाउट डायलॉग्स, हाउ टू राइट डायलॉग्स, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें कुछ 4 या 5 मैंने आपको बताए थे कि किस तरह से आपको डायलॉग्स में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने ये भी सीखा, और एक्सपोजिशन भी हमने बात की, किस तरह से हम एक बैक स्टोरी को अपनी स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो आई होप कि मॉड्यूल 1 आपको अभी तक जितना मैंने बताया उतना क्लियर हुआ होगा। मेक श्योर करें कि अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज़ इसी मॉड्यूल को दोबारा से एक बार देख लें,
और जो जो आपको कुछ डाउट्स हो रहे हैं हम अपने डाउट सेशन में उनको क्लियर कर लेंगे, बट मेक श्योर दैट यू नोट डाउन एंड प्लीज नोट डाउन ऑल द फिल्म नेम्स, वॉट एवर फिल्म आई एम गोइंग टू टेल यू, काइंडली मेक श्योर कि आप उन फिल्म को, उन सीन्स को जरूर देखें, ताकि आपका बहुत अच्छा एक रिकैप हो जाएगा, आपका एक बार नॉलेज भी क्लियर हो जाएगा, और कोई क्वेश्चन है देन वी कैन ऑलवेज क्लियर इट आउट इन अवर डाउट सेशन. सो गाइज मिलते हैं अब हमने नेक्स्ट मॉड्यूल में, विच इज गोइंग टू बी प्रोसेस ऑफ स्क्रीन राइटिंग एंड हाउ आर यू गोइंग टू जनरेट आइडियाज.